रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक करें वीडियो को, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स, आलू का स्नैक्स बनाना आलू के सिखाऊंगी। बच्चों को घर में बना के दें, बारिशों का भी मौसम है और घर में ही बच्चों को बना के दें, चाय के साथ खाएं, एंजॉय करें मज़े से। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तकरीबन दो मैंने आलू ले लिए थे, अभी मैंने आपको दिखा रही हूँ इनको क्या किया है। ये देखें, अच्छी तरह वाश करके मैंने रख लिया लच्छेदार से आलू। जैसे ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये आप सबके पास घर में होता है, या कद्दूकश ले लें जिससे हम मूलियाँ वगैरह कद्दूकश करते हैं। ये देखें, ऐसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया, इनको कद्दूकश कर लिया और अच्छे तरीके से इनको धो लिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। एक डोंगा लेना है हमने, बर्तन कोई भी बोल ले लें, उसके अंदर आलू डाल दें। इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो बहुत आसान है और घर में मौजूद है हमारे किचन में। नमक हसबे ज़रूरत आपने डालना है, थोड़ी सी दो चुटकी पीसी हुई मिर्च है, आप लोग दादर मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला है, जीरा है दो चुटकियाँ, थोड़ी सी हल्दी है एक आधी चुटकी के करीब। आइए अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे बहुत आसान तरीके से। घर में बच्चों को बना के दें, बहुत बच्चे इंजॉय करेंगे और खुद भी खाएं चाय के साथ। एक अदद अंडा है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लोर। घर में मैदा है तो वो डाल दें, नहीं तो कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन दो चम्मच है, ये थोड़ा डालेंगे जिस हिसाब से आपका मटेरियल है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, ऐसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। पाँच मिनट में बहुत अच्छे स्नैक्स बनेंगे, इसको मैं मिक्स करके आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसके अंदर देखें पोटैटो स्नैक्स, अंडा, कॉर्नफ्लोर और नमक मिर्च डाल दिए। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं इसको, कोई भी आप गोल चम्मच कोई भी चीज़ आपके पास घर में है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा इसको ऐसे डालें मटेरियल को। ऐसे गोल गोल आप इस शेप में बना सकते हैं। ये देखें इसके अंदर डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी शेप आप दे लें इसको, गुलाई में भी और सिंपल भी आप बना सकते हैं। ऐसे इसी तरह सारे हम फैला देंगे। व्यूअर्स, अब कम घी में मैंने ये निकाल लिया, देखें फ्राई हो रहे हैं, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही, आहिस्ता आहिस्ता से हमने ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इनको पलट देना है। थोड़ा सा पैन को आप ऐसे हिला सकती हैं डंडी से पकड़ के। ये देखें माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे, ऐसे इनको पलट दें आप किसी भी चिमटे की मदद से या आप चम्मच की मदद से, जिससे माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ज़रूर बनाएं, बच्चों को बना के दें, घर में बच्चों को बना के चीज़ें ऐसे छोटी हल्की फुल्की सी दिया करें। एक दो आलूओं से आप लोग इतनी मज़े से रेसिपी बना सकते हैं और बच्चे भी खुश, आप भी, माओं का भी, जो बच्चे तंग करते हैं कि हमें कुछ खाने को दो, भूख लगी हल्की फुल्की भूख के साथ, बच्चों को ज़रूर बना के दें, खुद भी खाएँ, बड़े भी। चाय के साथ आप स्नैक्स हल्के फुल्के से शाम के टाइम, इवनिंग टाइम आप खा सकते हैं जब मर्जी दिल करें। व्यूअर्स, आज मैंने आपको पोटैटो स्नैक्स बनाना सिखाए हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से। ज़रूर बना के देखें, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं चाय के साथ, मज़े मज़े से खाएं और एंजॉय करें बारिश के मौसम में भी। बाहर से लाने की बजाय खुद घर में बनाएं, बहुत आसान रेसिपी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें, अल्लाह सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।